शामली में विपरीत दिशा से आ रही तेज महिंद्रा पिकअप गाड़ी ने स्कूल जा रही एक 12 वर्षीय छात्रा को कुचल दिया है, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए मृतक छात्र के परिजनों ने मेरठ करनाल हाईवे पर छात्रा का शव रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि सूचना मिलने के बाद भी मौके पर पुलिस देर से पहुंची है। पुलिस ने मृतक परिजनों को समझाने में जुटी। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे SDM व CO सदन ने गांव वालों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग पर जाम खुलवाया। दरअसल आपको बता दें कि ये हादसा जनपद शामली के थाना दौसा मंडी क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित गांव टिटोली का है। गांव निवासी 12 वर्षीय छात्रा निखिला गांव के ही प्राथमिकता विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा थी। वह आज सुबह निखिल स्कूल जाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी दूसरी दिशा से तेज गति से आ रही एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी ने उसको कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक निखिल नाम का बच्चा है जो यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी यहाँ एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मृत्यु हुई है और उसको मुकदमा लिख दिया गया है। जो मेटाडोर का ड्राइवर है और जो जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी की गिरफ्तारी हुई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जाएगी, जो भी मुआवजे जिनकी मांग थी SDM साहब मौके पे है, जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिलाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेघपाल। मेघपाल जी, क्या हुआ है हादसा जो जाम लगा रखा? ये सर, ये स्कूल जा रहा था निखिल हमारा बेटा, उसके बाद में ये गाड़ी वाला रॉन्ग साइड से आया और इसको टक्कर मार दी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? ये बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है। कितने साल का है? 12 साल का है। अच्छा, मौत होगी बच्चे की? बच्चे की मौत हो गई। अच्छा, जैसा आपने शव रख के जाम लगा रखा, अब जी गाड़ी वाला पकड़ा गया? गाड़ी वाला पकड़ा गया है और वो वहीं पर। क्या मांग है क्या मांग है अब आपकी? मांग सर ये चाहते हैं कि कहने का, ये भाई हम गरीब आदमी है, उसके बाद में कि हमें कुछ मदद मिल जाए सरकार से। तो मुआवजे के लिए हमने जाम लगा रखा है। तो पुलिस प्रशासन जैसा? पुलिस प्रशासन मौके पे अभी आई है, जब से हम फोन कर रहे हैं, जब से कोई पुलिस नहीं है। कितनी देर बाद आई पुलिस? पुलिस कम से कम। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।